नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी हॉल्टर। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, मेरी उम्मीद होती है कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो फीडबैक है, इन्हीं पे ज़्यादातर जो है मैं वीडियो बनाऊं। तो कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं अभी भी मेरे वीडियो में कि भाई आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो सोचा मैंने फिर से एक और आपको वीडियो बता दूँ अपने बारे में, खास करके इस बात पर जब लोग मुझे देख के गलत फहमी में आ जाते हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ पर मैं दोबारा कहूँगा, जो लोग ने शायद अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखे, मैं हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था। जो मेरे बड़े दादा थे उनकी, वो आए थे अमेरिका से US 1916 में। उसके बाद जो मेरे दादा हैं उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी। मेरे पिताजी श्री टॉम ऑल्टर, इनकी भी पैदाइश हिंदुस्तान में थी, हुई है, मेरी भी हुई है। और जो मेरा बेटा है जो 5 साल का है, उनकी पैदाइश भी यहाँ हिंदुस्तान में है। यानी कि मैं हूँ 4th जनरेशन, जो अमेरिकन ओरिजिन के हैं वो हिंदुस्तान में, और जो मेरा बेटा है वो है 5th जनरेशन। तो उम्मीद है कि जिन्होंने अब तक मेरे वीडियोस नहीं देखे, आज देख के उनको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी मेरे बारे में। तो दोस्तों, ये हो गया बस एक सिंपल सा आउटलाइन मेरे बारे में। अब जो है जो आज का जो टॉपिक है, मैंने कहा कि हम बात करेंगे जो लोग मेरे को देख के, मुझे देख के क्या इनकी रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कुछ हंसी मजाक में होते हैं, कुछ थोड़े लोग शौक हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कह जाते हैं। जबकि हालांकि मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ, चाहे वो मेट्रो में हो या कहीं ट्रेन में हो या फ्लाइट पे हो या कहीं भी, ड्राइव में, मॉल में, सड़क पे जाते वक्त, कहीं भी कुछ भी जो अपने डे टू डे काम होते हैं। तो अक्सर बल्कि ऐसा कोई दिन नहीं गया शायद जहाँ पर किसी ने मुझे यूँ देखा या मुड़ के देखा या कुछ पूछा या कुछ कहा भी मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे, ये समझ के कि ये जो है ये बाहर के हैं और इन्हें हिंदुस्तानी नहीं आती है। किससे दोस्तों, बहुत है। शायद मैं बैठ के इस पर कभी एक किताब लिखूँगा, इतने सारे मेरे पास आइटम्स हैं, सैम्पल्स हैं मेरे इस बुक के लिए। पर जो कुछ अभी हाल ही में हुए, जैसे कि कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के मेट्रो में जा रहा था, इस बात पे दोस्तों मैं आपको मिलाऊँगा अपने एक दोस्त से। ये हैं एयरपॉड्स। तो दोस्तों, कभी आप ये लगा के कहीं सफ़र कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो बिना गाना किए हुए आप ये लगाओ और थोड़े बस ये करो, सामने जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं, उनको तो कुछ नहीं पता कि ये बंदा जिसके कान में है वो कौन सा गाना सुन रहा है, मलंग का लेटेस्ट गाना सुन रहा है, मोहम्मद रफ़ी का पुराना गाना सुन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस लगता है कि बंदा गाना सुन रहा है। तो मेट्रो में दोस्तों मैंने ये किया था, और इससे पहले कि मैं कोई गाना चूज़ कर पाऊँ अपने फ़ोन पे, कुछ दो लोग थे, यंग कॉलेज के दो लड़के मेरे सामने बैठे थे मेट्रो पे, और वो बोलने लगे कि यार ये जो फॉरेनर्स हैं, इनको कैसे लगता होगा हमारे मेट्रो में सफ़र करते करते वक्त। दूसरे ने कहा, नहीं, आजकल बहुत से फॉरेनर्स हैं, इनको यूज्ड टू हो गए, इनके बाहर की जो मेट्रोज हैं बड़े अच्छे होते हैं, बस वो थोड़ी हमारे यहाँ थोड़ी भीड़ होती है, पर ये नहीं, आजकल सब वो अडेप्ट हो गए। मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें, मैं बस यूँ कर रहा हूँ ये दिखा के कि मैं गाना सुन रहा हूँ। मैंने कहा, देखते इनकी बातें कहाँ तक जाती, पर यार ये फॉरेनर है, ये कहाँ से आया होगा, ये क्या है। और मैं सुन रहा, मेरा मूड था कुछ बोलने का, मैंने कहा छोड़ो, तीन चार स्टॉप की बात है, फिर तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जब मैं कुछ सुनता हूँ जो शायद सुनने लायक ना हो, हालांकि बहुत ही कम होता है ये, बट कुछ जब मैं समझ पा रहा हूँ लोग की बातें पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो क्या होता है मेरा रिएक्शन। बहुत से कमेंट्स आए ऐसे कि भाई आप कब कहीं जाते हो, लोगों ने कुछ बोला तो आपने क्या कभी जवाब दिया कुछ। जवाब तो हमने बहुत दिया, लेकिन तब जब किसी ने कुछ गलत कहा था, और वो भी ना माहौल देख के। ऐसे नहीं कि भाई किसी ने कुछ बोला और बस आपका खून गर्म हो गया और मैंने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि सामने वाला का जवाब क्या होगा वो भी मुझे देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत बार हुआ है कि लोगों ने कहा अभी इसको देख, तो मैं अभी जवाब दे चुका हूँ, पर वो ज़्यादातर पहले की बात है। अब जब थोड़े उम्र के हिसाब से और फैमिली वाले हो गए हम, तो हमने कहा चलो ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। बट हाँ, बहुत से होते हैं किस्से। और एक और जो है गलतफहमी लोग समझते हैं मुझे देख के कि मैं एंग्लो इंडियन हूँ। अब दोस्तों, एंग्लो इंडियन मैं नहीं हूँ, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो मतलब है वो व्यक्ति जिसके अंदर ब्रिटिश या कोई फॉरेनर जो है, वाइट, लेट्स से ब्रिटिश और इंडियन का मिक्स। हालांकि मैं पूरा हिंदुस्तानी हूँ, पर जो मेरे खून में जो है, जो मेरे उसके अंदर कोई
हिंदुस्तानी खून जो नहीं है, मेरा कहने का मुझे मतलब है कि ना तो मेरे माता पिता, हालांकि मेरा पिता हिंदुस्तानी ही था, उनकी पैदाइश यहीं के है, उनका पासपोर्ट हिंदुस्तानी था, बट जो हमारे अंदर जो हमारी फैमिली है, इनकी जो हिस्ट्री वो है यूएस के हैं हम लोग। तो एंग्लो इंडियन मतलब जैसे मैंने कहा था, जहाँ पे दो दो कल्चर्स का मिक्स हुआ है बाय ब्लड, वो मैं नहीं हूँ। तो हालांकि इस ये जो टर्म है, शायद बहुत से लोग जो है इस टर्म को समझ नहीं पाए, पर नहीं, मैं एंग्लो इंडियन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं फॉरेनर शब्द जो है, बहुत बार मैं कुछ मैचेस खेलता हूँ, क्रिकेट मैचेस, तो इनवेरियबली कोई बोलता है बाउंड्री से, ओए जॉनी बेस्टो, ओए बेन स्टोक्स, ओए रिकी पॉन्टिंग, बचपन से ये मैं सुनते आ रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ पहले वीडियोस में, लोग मुझे देख के समझते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल फॉरेनर हूँ। एक है दोस्तों, एक और टर्म है ABCD, जो कुछ टाइम पहले यूएस में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ये देसी कम्युनिटी में। ABCD यानी अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी, ये टर्म जो है ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा था, काफ़ी पॉपुलर था कुछ कुछ समय पहले उन लोगों के लिए जो, हालांकि उनकी जो लीनियज है वो हिंदुस्तानी है, पर वो यूएस में पैदा होकर वो कुछ कन्फ्यूज हैं। ये खैर, ये टर्म मेरे लिए लागू तो बिल्कुल नहीं है, पर कुछ 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 टाइम पहले लोगों ने कहा था कि यू आर IBCD, इंडियन बॉर्न कन्फ्यूज देसी। मैंने कहा देखो बिल्कुल मैं इंडियन बॉर्न ही हूँ, मैं कन्फ्यूज तो नहीं हूँ, मुझे पूरा ही पता है कि मैं क्या हूँ, और बिल्कुल देसी तो मैं हूँ। तो ये कुछ और किस्से हैं, बाकी तो शायद मैं आगे, मुझे कुछ कुछ और एक्स्ट्रा एपिसोड्स करने पड़ेंगे अपने एग्जैक्ट किससे याद याद करने के लिए, आप लोग को बताने के लिए। बट हाँ, क्योंकि अभी भी है कुछ गलतफहमियाँ हैं मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे, आए हैं कुछ सवाल ऐसे, वही एंग्लो इंडियन बात को लेके, कि आप फॉरेनर हो, और या आप फॉरेनर हो के आप इतनी अच्छी हिंदी क्यों बोलते हो। तो आगे भी अगर मुझे इस आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए मुझे और वीडियो करने पड़ेंगे, तो मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि जैसे मैं, एक और बात भी है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, जो एक रابطہ, एक कनेक्शन बन जाता है आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से, थ्रू यूट्यूब में कमेंट से, वो मुझे बहुत ही पसंद है। क्योंकि इससे क्या है, मैं अपने बारे में बोल बोल सकता हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा था, गलत फहमियाँ मैं दूर कर सकता हूँ, और आप लोग की फीडबैक जो है, आपके सवाल, उनका मैं जवाब दे सकता हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, नमस्ते।